आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हीट इंजन्स के बारे में। हीट इंजन्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। सो लेट अस बिगिन। हीट इंजन्स, व्हाट आर हीट इंजन्स? हीट इंजन्स दे आर द डिवाइसेस व्हिच कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हमने इसके पहले देखा था कि वर्क जो है वो डायरेक्टली और कम्प्लीटली कन्वर्ट किया जा सकता है हीट में, लेकिन अगर आपको हीट को कन्वर्ट करना है वर्क में तो हमें स्पेशल डिवाइसेस यूज़ करने पड़ते हैं जिन्हें कि हम लोग हीट इंजन्स कहते हैं। नाउ दीज हीट इंजन्स दे टेक हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर, उसके बाद में उस हीट को यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म सम वर्क लाइक मूविंग पिस्टन, पिस्टन का मूवमेंट जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, या फिर वेट लिफ्ट करना है, या जैसे टायर्स का मूवमेंट होता है, व्हील्स का मूवमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ जो बची हुई हीट है वो डिस्चार्ज करता है, डिस्कार्ड कर देता है हीट सिंक को। तो इस तरह से हमारे पास में इस हीट इंजन के तीन पार्ट्स हैं। एक तो है सोर्स ऑफ हीट जो कि हमेशा हाई टेम्परेचर पर रहेगा, दूसरा है वर्किंग सब्सटेंस, और तीसरा है सिंक जिसको कि हम हमेशा लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं। इसका एक एनिमेटेड फिगर हम यहाँ पर देखेंगे। दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम बीटा स्टर्लिंग एनिमेशन डॉट जी आई एफ। और यहाँ पर ये जो है हीट सप्लायर है या सोर्स जिसे हम कहेंगे, ये हीट सप्लाई कर रहा है इस डिवाइस को, और अंदर आप जैसे देखेंगे कि ये मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, और जिसकी वजह से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। दिस व्हील इज नाउ मूविंग एंड सम पार्ट ऑफ हीट वी कैन से दैट इट इज रिजेक्टेड टू द स्ट्रक्चर, तो हीट का रिजेक्शन भी हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग विच कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। इसको एक और फिगर से हम समझेंगे। यहाँ पर भी जैसे आप देख रहे हैं कि ये पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर इसका व्हील का मूवमेंट हो रहा है। एंड नाउ लेट अस सी द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इंजन। यहाँ पर हमारे पास में है एक सोर्स, दिस इज द सोर्स जिसको कि रिजर्वायर भी कहा जाता है, रिजर्वायर ऑफ हीट विच इज ऑलवेज केप्ट एट अ हाई टेम्परेचर T1. Then we have the sink which is also a reservoir that is always kept at a low temperature T2. और यहाँ पर है हमारे पास में एक सिलेंडर जिसमें कि हमने वर्किंग सब्सटेंस लिया है, जैसे कि आइडियल गैस ले सकते हैं आप इसको। दिस सिलेंडर इज फिटेड विद अ पिस्टन, और जब ये हीट होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये गैस एक्सपांड होगा और इस पिस्टन का मूवमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ये साइकिल इसमें होते हैं, और जिसकी वजह से पिस्टन का मूवमेंट होगा। और बचा वाला जो बची हुई जो एनर्जी है या हीट है वो सिंक को रिजेक्ट की जाती है। तो यहाँ आपके पास में ये इंजन हो गया, और ये सोर्स है, और ये सिंक है, और वर्क का यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क होगा। तो इस तरह से ये हीट इंजन का काम होता है। और अब हम देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। द एफिशिएंसी ईटा ऑफ हीट इंजन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क विच इज डन पर साइकिल बाय द इंजन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स इन वन साइकिल, जिसको कि हम लोग यहाँ पर W/Q1 के टर्म्स में लिख रहे हैं। ये हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे Q1 एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स एट T1 Kelvin. Then Q2 is the amount of heat which is rejected to the sink at T2 Kelvin. और हम लेंगे W as the net amount of work, external work done by the working substance. अब हम find करेंगे कि net amount of heat absorbed कितनी होगी। Q1 अगर heat absorbed है, Q2 अगर heat rejected है, तो net amount of heat जो absorb हो जाती है वो मिलेगी आपको दोनों का difference. That is DQ will be equal to Q1 minus Q2. अब हमने देखा कि ये जो process है वो कंप्लीट एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल स्टेट से जहाँ से स्टार्ट होता है वापस उसी इनिशियल स्टेट पे पहुँच जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो रहती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर DU जो है वो इक्वल टू जीरो मिलेगा। इस चीज़ को अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है DQ विच इज इक्वल टू DU प्लस DW. सो सिंस DU इज इक्वल टू जीरो एंड सिंस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, DU इज इक्वल टू जीरो, तो अब आपको मिलता है DQ इज इक्वल टू DW. So we can say that the net amount of heat absorbed will be equal to external work done by the engine, and that is we can write Q1 minus Q2 is equal to W. So this is W here. अब इसकी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और थर्मल एफिशिएंसी को हमने अभी जस्ट डिफाइन किया था विच इज इक्वल टू नेट वर्क डन पर साइकिल
डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल एंड दैट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू वन एंड लेट अस राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू एंड हेंस द एफिशिएंसी बिकम्स क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन एंड इफ यू डिवाइडेड बाई क्यू वन यू कैन राइट दिस अगेन एज वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन. तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन. अब अगर समझो आपने इसमें Q2 इक्वल टू जीरो लिया, आपको याद होगा Q1 हमने लिया था अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक. तो मान लीजिए कि हीट इंजन अगर कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं करता है सिंक को, तो तब आपको मिलेगा ये जो वैल्यू है ईटा विल बिकम इक्वल टू वन एंड दैट मीन्स दैट द एफिशिएंसी इज 100%. बट इज इट पॉसिबल? क्यू टू जो है कभी भी जीरो नहीं होता है बिकॉज सम ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक. सो देयरफॉर क्यू टू इज नेवर इक्वल टू जीरो एंड हेंस द एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू वन और 100%. इट इज ऑलवेज लेस देन वन. सो इट मीन्स दैट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 100%. एंड अगर हम चाहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, तो हमें एक रिवर्सिबल इंजन जैसे कि कर्नोट्स हीट इंजन है उसका यूज़ करना पड़ेगा. और हम स्टडी करने जा रहे हैं कर्नोट्स इंजन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.